चित्तौड़ का गौरवशाली इतिहास न सिर्फ राजपूतों की बहादुरी का साक्षी रहा है, बल्कि मेवाड़ की इस धरती पर ऐसी वीरांगनाएं भी पैदा हुई जिन्होंने धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए बेधड़क धधकती अग्नि में खुद को स्वाहा कर डाला। यही वो स्थल है जहां आज भी लोग श्रद्धा से अपना सिर झुकाते हैं। इस कुंड में महारानी पद्मावती यानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों के साथ जौहर किया था। चित्तौड़गढ़ के किले में उस कुंड की ओर जाने वाला रास्ता आज भी उस भयानक कहानी का गवाह है। यह रास्ता बेहद अंधेरे वाला है, जिस पर आज भी कोई जाने का साहस नहीं करता। इस गलियारे की दीवारों तथा कई गज दूर भवनों में आज भी कुंड की अग्नि के चिन्ह और उष्णता का अनुभव किया जा सकता है। साफ दिखाई देता है कि विशाल अग्निकुंड के ताप से दीवारों पर चढ़े हुए चूने के प्लास्टर जल चुके हैं। इस चित्र में कुंड के समीप जो दरवाजा दिख रहा है, कहा जाता है कि चित्तौड़ की आन बान और शान के लिए वीरांगना पद्मावती वहीं से अपनी साथी महिलाओं के साथ कुंड में कूद गई थी। कहते हैं कि ये जौहर इतना विशाल था कि कई दिनों तक इस कुंड में अग्नि धधकती रही। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि सैकड़ों वीरांगनाओं की आत्माएं आज भी इस कुंड में मौजूद है और यहाँ इस कुंड से अक्सर औरतों की चीखें सुनाई पड़ती हैं।